नेटिव जी एग्जाम में पेपर लीक और उसमें गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 40 से ज्यादा अर्जियों को शामिल किया गया है और इन अर्जियों में नीट यूजी 2024 के इनेकाद में मुबैना तौर पर बेजाबगी और पेपर लीक की जांच करने, एग्जाम रद्द करने और नए सिरे से एग्जाम कराने की मांग की गई है। तो 11 जुलाई को पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट एग्जाम के वकार पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ तो दोबारा एग्जाम कराना जरूरी हो जाएगा। वहीं एनटीए ने अपने जवाब में कहा है कि पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर गायब नहीं मिला है। वहीं मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो दोबारा एग्जाम की हिमायत में नहीं है। तो एक तरफ एनटीए की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है कि जो गड़बड़ियां हैं वो पटना और गुजरात में ही हुई थी और जगह पर इसके कोई शवाहद नहीं मिलते हैं और ऐसे में बड़े पैमाने पर बेजाबतियाँ नहीं हुई हैं और इसके चलते री एग्जाम ना कराने का मशवरा दिया है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जानकारी आपसे चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए एक अहम इस वक्त पूरी सुनवाई चल रही है नीट पर अगर हम देखें, और सबसे पहले कोर्ट ने आज जिस चीज को लेकर सवाल उठाया तो कोर्ट ये चाहता था कि वो ये समझ पाए गड़बड़ी का फायदा उठाने वालों की पहचान कैसे होगी, क्योंकि कोर्ट लगातार, पिछली बार भी सुनवाई हुई थी, हमने देखा था कि कितने बच्चे इससे अफेक्ट हुए हैं जिन्होंने इसकी परीक्षा दी है, इस चीज को कोर्ट जानना चाहता था। और उसी के बीच में हमें नया एफिडेविट देखने को मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ कोर्ट ने आज उस चीज पर इस वक्त गौर फरमाया कि जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो ओपन हम करना चाहते हैं, लेकिन सीबीआई ने ये कहा है कि इस वक्त अगर वो रिपोर्ट ओपन होती है तो वो इस वक्त सार्वजनिक होने के बाद उस पर असर पड़ सकता है उनकी जांच पे, इसीलिए उस रिपोर्ट को अभी फिलहाल जज पढ़ चुके हैं, उनको ये पता है कि किस हद तक वो लीक हुई है, जो गिरफ्तारियां हम आए दिन देखते हैं वो सभी उस वक्त रिपोर्ट इस वक्त जज के सामने पहुंच चुकी है। सीबीआई की रिपोर्ट, अब तक जितनी भी जांच, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उससे जुड़े सभी मामले दे दिए हैं। इसके बाद से इस वक्त जो सीबीआई थे उनका सबसे अहम ये कोशिश थी कि यहां पर ये पता लगाया जाए कि वो बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी वो उनसे अलग कैसे होंगे जिन्होंने परीक्षा यानी कि लीक से जुड़ा हुआ था। तो लीक इतने बड़े पैमाने पर है, इसी पर इस वक्त लगातार कोशिश हो रही है। उसके साथ अभी एक जो नया मुद्दा जुड़ा है कि एनटीए ने साफ तौर पर कहा एक आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट पे कि हमने सिलेबस कम किया है और सिलेबस कम होने के कारण मार्क्स बढ़े थे और किसी भी बच्चे पर इस वक्त लीक का कोई असर नहीं था, सिर्फ पटना और इस वक्त गोधरा से जुड़ा हुआ ही ये मामला था। लेकिन अभी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में उन बच्चों को कैसे आप अलग करेंगे, यही चीज इस वक्त सबसे अहम है और उसी पर भी सुनो। बिल्कुल, तो यहाँ पर जानकारी का और इंतजार रहेगा क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है और देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निकलकर सामने आता है। हालांकि एनटीए की तरफ से और मरकजी हुकूमत की तरफ से जो बातें कही गई हैं, एनटीए ने हलफनामा दाखिल किया है और मरकजी सरकार भी कह रही है कि वो दोबारा एग्जाम की हिमायत में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अहम तफसील आता है, इस पर नजर रहेगी। वरुण, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई चल रही है और कई सारी चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि पिछली सुनवाई की बुनियाद पर जो चीजें देखने को मिली थी उनकी तर्ज पर अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है तो दोबारा एग्जाम कराना जरूरी हो जाएगा।